हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज देश का माहौल ऐसा है कि हर कोई बीजेपी से जुड़ना चाहता है। उसी कड़ी में कोसली विधानसभा से बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता वीर कुमार यादव आज कोसली विधानसभा के गांव नहाड़ पहुंचे, जहां ग्रामवासी ने उनका बड़े ही जोरदार तरीके से स्वागत किया। वीर कुमार यादव ने वहां पर काफी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसी बीच सभा में बातचीत के दौरान उन्होंने कोसली अंडरपास व ट्रेनों के ठहराव को लेकर जल्द ही समाधान करने का दावा किया। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। शेष मिशन जो है इस समय वैसे तो 28 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होगी, लेकिन हमारे नेतृत्व ने 3 दिन स्पेशल रखे 20, 21 और 22, तो उनका आग्रह यह था कि इन 3 दिन में जो पार्टी के सीनियर नेता हैं वो बड़े बड़े गांव में जाएं और एक दिन में एक गांव में जाके और वहां सदस्यता एक व्यापक सदस्यता करें। अब पूरे भारत में जनता कहाँ है, ना वहाँ फाटक है, ना रोड है, ना कोई मतलब नहीं है। और हाई कोर्ट में हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जो हमने साथी चुने वो तीन सरपंच है हमारे यहाँ के, उनका नाम लेना अच्छा नहीं है, उन्होंने एक वकील ऐसा कर लिया कि एक औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी और ये काम भी अटक जाएगा। तो उनका ही इंटरेस्ट ये था कि यहाँ ना बने वो बनी बन जाए। कई तरह के स्वार्थ होते लोगों के, जब सरकार आती तो सरकार से फायदा उठाओ और जब देखते कि भी सरकार से फायदा नहीं हो रहा तो अपना व्यक्तिगत फायदा उठाओ। ऐसे 2-3 सरपंच उन्होंने मिल मिला के और जो केस लड़ रहे थे जैसे ऋषण साहब हो या रामकार जी हो, इनको जानकारी नहीं वो कौन वकील कर लिया। अब वो वकील ऐसा कर लिया कि उन्होंने आपको ताज्जुब होगा, मेरा इससे क्या लेना देना है, मेरे ऊपर भी मुझे भी पार्टी बना रखा है। वीर कुमार यादव रेलवे बोर्ड का मेंबर है और ये पॉलिटिकल दबाव से और हमारा जो अंडर पास वहाँ बढ़ना चाहिए उसको वहाँ ले जा रहा है। विक्रम को भी विधायक को भी बना लिया, इतना वो तो विधायक है, अच्छे बुरे गड़े में पड़ती है। तो मेरा मतलब ये है कि एक तो जानकारी के लिए उसमें स्टे हो गया है, अंडर पास में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, क्योंकि हमारा वकील भी कहने को तो हमारा था, वास्तव में उनका ही था, उसने पैर भी की नहीं। तो जल्दी जल्दी इस केस के बारे में जानकारी देंगे कि अंडर पास की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये भाई और बन गया, फाटक रही नहीं, आना जाना बंद हो गया। आप में से ज्यादातर लोगों ने पता भी होगा, क्या ऊपर बताने में सुविधा रहेगी कि ये अंडर पास क्यों जरूरी है। तो वो कोटवाड़ी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो भी लड़ेंगे, लेकिन एक उस दिन 1 तारीख को टाइम बता देंगे, रेवाड़ी से टीम चलेगी और संभवतः 11-12 बजे तक कोसली आ जाएगी और नई ट्रेन चले, भिवानी से चले, हिसार से चले। दिक्कत क्या हुई, बीच में बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन हो गया। मैं मांग उठा रहा था हिसार से दिल्ली वाया रेवाड़ी एक ट्रेन चलाओ, हिसार से दिल्ली वाया रेवाड़ी। अब उनके दिमाग में ये तो आने में वाया कोसली, हिसार से दिल्ली वाया रेवाड़ी चला दी, लेकिन जो रामदास जी बता रहे थे रूट क्या हो गया, वो वाड़ा कर दिया सादनपुर होके और पूरा अपना बूंदी दहीना वो रूट कर दिया। और मेरे पास लेटर आ गया कि जी आपकी मांग पूरी कर दी। मैंने कौन सी कर दी भाई, बोला आपकी मैं मांग रखी थी हिसार वाया रेवाड़ी दिल्ली सीधी ट्रेन चले, हमने चला दी। मैंने कहा कोसली तो है ही नहीं उसमें। अब वहाँ बैठे हैं लोग कमरों में, तो यही नहीं पता कि मैं कोसली की मांग कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ। कुछ हमसे भी चलो वो चूक हो गई होगी कि हमने भी लिख दिया, मेरे दिमाग में भी यही था कि वहाँ सादलपुर राजस्थान से कहाँ चलाएंगे, यहीं से चलाएंगे शॉर्टेस्ट तो यही है। तो वास्तव में चलनी ये चाहिए थी, लेटर भी आ गया, लोगों ने मुझे बधाई भी दे दी और एक आदमी टोंट भी मार दिया। आजकल युवा बड़े तगड़े हैं ना सोशल मीडिया पर, और भाई जिसो अंडर पास बनवाए इसी ट्रेन चलाओगे भाई, जिसो ऐसे बात भी ठीक है, उनकी गलत तो बात भी नहीं है, अंडर पास भी नहीं बना है बात है, मैंने कहा था बनवाऊंगा और मैं ट्रेन भी नहीं चली, तो भाई जिसने कॉमेंट किए बात भी ठीक है। अब सब हमारे गीत गाएंगे जरूरी तो नहीं है, कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो उस ट्रेन की भी दोबारा से पैरवी की है हमने और मैं चाहता हूँ उस पर भी आपके ज्ञापन में कुछ चीज चली जाए। तो चाहे अंडरपास की बात हो, चाहे ट्रेन नई ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे रात को जो एक्सप्रेस चलती है
जयपुर कटरा और जयपुर अमृतसर उनके ठहराव की बात हो, मैं ईमानदारी से इसका प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों बातें देर सवेर 100% पूरी करेंगे। ट्रेन भी नहीं चलवाएंगे, ठहराव भी कराएंगे, अंडर पास भी पड़वाएंगे। पहली बार सबसे ज्यादा, चाहे वो पुलिस हो, डी ग्रुप हो, दूसरी भर्ती हो, सबसे ज्यादा अगर नौजवान भर्ती हुए हैं इस सरकार के कार्यकाल में हुई, सबसे ज्यादा। और उसमें सरकार का एहसान नहीं है, एहसान हमारे बच्चों का है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, क्यों, और पहले से काफी सुधार भी हुआ है। बहुत सी हो सकता कमियां रह गई हो, लेकिन प्रयास हुआ है, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, चाहे दूसरे समस्या की बात हो, काफी सुधार हुआ है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं हमें ये दिक्कत है, आप जिस संकोच बता दीजिए, ये सरकार आपकी है, आपके द्वारा बनाई है, आपने बनाई है, और आपकी समस्या का समाधान करना सरकार का काम है। ये कह रहा है जी, बधाई, आप पहले से ही पंजीकृत सदस्य हैं, आपकी सदस्य संख्या 10052044411 है। और किसी पास मैसेज आया, लिंक पर क्लिक करके संपर्क विवरण अपडेट करें। अपडेट विवरण का मतलब आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर वॉलेट है और आपका पिन कोड नंबर। और किसी के पास मैसेज आया, किसी पर डायल करोगे घंटी जाएगी और कट जाएगा और फिर आपके पास मैसेज आएगा। उसके अलावा हम कॉपी लेकर आए हैं, कॉपी देकर जाएंगे, फॉर्म भी भरना है, मिस कॉल से सदस्य बनना है, रिकॉर्ड वो अपडेट होगा, और साथ कॉपी भी लेकर आए, फॉर्म एक कॉपी में 25-25 फॉर्म है कुछ। अब होगा हर बीमारी के इलाज, वो भी बिना गोली और बिना इंजेक्शन के। उत्तरी भारत का नंबर 1 एक्यूप्रेशर सेंटर कोमल एक्यूप्रेशर, जहां होगा आपकी हर बीमारी का इलाज। इस पैथी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी प्रकार की दवाई या केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं है। आज के समय सभी अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर परेशान हैं और यह पैथी ऐसी है जिसमें परमानेंट इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। आपको यहाँ हर तरह के उपचार की सुविधा मिलती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, लेजर एक्यूपंचर, प्राकृतिक चिकित्सा भी यहाँ करवा सकते हैं, वमन, जल नीति, सूत्र नीति, मसाज, मडबाथ, स्टीम बाथ, योगा, फिजियोथेरेपी की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। लाइलाज बीमारी का इलाज बहुत ही सरल तरीके से यहाँ किया जाता है। कोमल एक्यूप्रेशर आपके शहर कोसली में संजीवनी अस्पताल के ठीक सामने। संपर्क करें 9416580715।